ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री मात्रे नमः। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय लेने वाली हूँ, सरल गीता में, जिसका मैंने भगवत गीता का मैंने सरल अनुवाद किया है, उसमें मैं आज 9वां अध्याय बताने वाली हूँ। इस अध्याय का नाम है राज विद्या राज गृह योग। इसमें तीन अक्षर आते हैं, राज विद्या और गृह। मतलब क्या है इसका? राज यानी सबसे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। विद्या में विद्या, राज विद्या तो कौन सी हो सकती है? श्री विद्या, भगवान की लीला। दूसरा राज विद्या, फिर क्या हुआ? राज विद्या राज गुह, अत्यंत गोपनीय से गोपनीय, उससे गोपनीय और कुछ नहीं। बड़ा, बहुत बड़ा गोपनीय, जो सिर्फ एक भक्त और एक भगवान में होती है। बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता है अंदर क्या चल रहा है। राजगुह, इतना सीक्रेट बिटवीन गॉड एंड द भक्त। सो राज विद्या सबसे सीक्रेट, सबसे महान, सबसे बड़ी विद्या है, यानी भगवान की लीला। और राजगुह जो सिर्फ भक्त और भगवान में होता है रिश्ता, वो राजगुह। और योग यानी ये जुड़ के आता है। राज विद्या के बारे में मालूम पड़ता है उसको सिंपल वर्ड्स में, और राजगुह जो भी भगवान बोलता है वो सब उसी को बोलता है, वो और किसी को नहीं बोलता। मुझे जो बोलता है वो इसको नहीं बोलेगा, इसको नहीं बोलेगा, गुह। मुझे ये योग बहुत पसंद है, बहुत यानी कि बहुत पसंद है, क्योंकि नंबर एक तो ये एकदम सिंपल है, मेरे जैसों को एकदम इजीली ग्रहण कर सकते हैं हम। बहुत कुछ करने की, अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी सिंपल और अच्छी है। और यहाँ भगवान से बहुत प्रेम होता है इसमें। ये सुनने के बाद, ये सीखने के बाद हमें भगवान से बहुत प्रेम होता है, इसलिए मुझे ये योग बहुत पसंद है, राज विद्या और राजगुह योग। तो सबसे पहले, ये शुरुआत करने के पहले हम ध्यान श्लोक जाते हैं। ध्यान के बिना हम आगे नहीं जा सकते। अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
पहले जमाने में कर्म कांड हुआ करता था, यज्ञ याग वगैरह, कोई भी भूल हो गई, कोई गुनाह हो गया, प्रमाद हो गया, तो उस हिसाब से उसका प्रायश्चित लिया जाता था यज्ञ रूप से और किसी नाना तरह के रूप से। लेकिन इसमें शूद्र लोग ये कर नहीं सकते थे, स्त्रियां ये कर नहीं सकती थी, वैश्य लोग ये कर नहीं सकते थे, शूद्र तो नहीं कर सकते थे, बहुत पाबंदी थी। वर्ण थे ना, तभी चार वर्ण थे, वर्ण के हिसाब से सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही कर सकता था ये सब। पर सब हम एक भगवान के ही बच्चे हैं, वो हमारी माँ है, तो वो कैसे ये पार्शलिटी कर सकती है ना, नहीं करेगी पार्शलिटी। इसीलिए ये राजगुह्य राजविद्या योग, जो हर एक कर सकता है, हर एक को अप्लाई होता है, इसमें जाति भेद नहीं, पैसे का भेद नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, कोई भी कर सकता है, बैठे बैठे एकदम इजीली कर सकता है, बिना पैसा खर्चा किए, कुछ भी नहीं, कितना सरल है ये योग। तो क्या है, अभी देखो, एक छोटी सी स्टोरी है भगवान की। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी, उन्होंने दरबार भरा, उनका दरबार भरा और उन्होंने सब भक्तों को न्योता दिया, आ जाओ हमारे दर्शन के लिए। तो सब लोग आए, इतनी खुशी हुई भगवान को, अरे मेरे सब क्रिएशंस है, देखो देखो कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है ये, कितना बुद्धिमान है ये, कितना विद्यावान है ये, है वो है, कितने अच्छे अच्छे क्वालिटीज है ये उनमें। और उसके हिसाब से उन्होंने, भगवान ने सबको गिफ्ट्स दिया, प्रेजेंट्स दिया, विद्यावान को और कुछ दिया, ये और कुछ दिया, और कुछ दिया, भर भर के दे रहा था बटवे में, एक एक बटवा दे रहा था। और वो लोग खुश हो के नमस्कार करके आशीर्वाद मांग के जाते थे। तो देते 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 एक बटवा नीचे गिर गया। लक्ष्मी जी खड़ी थी, लक्ष्मी जी को बहुत आज बहुत खुशी हुई थी, अरे आ हा हा, मेरा पति कितना उदार और इतना इतना फेमस है रे, कितने लोग इसके भक्त लोग मिलने को आते हैं, देखो तो सही, और कितना भर भर के दे रहा है, आ हा हा, मैं आज धन्य हो गई, धन्य हो गई। इतने में देखा है गिरा, भगवान के चरणों पर ही गिरा, और भगवान ने उठाया नहीं इसे, चरण से अपने ऐसा खिसका खिसका के अपने चरण के नीचे रख दिया। लक्ष्मी जी ने वो देखा, और लक्ष्मी जी ने देखा, ये विष्णु जी ने भी देखा, भगवान ने देखा, सब लोग गए। तो अभी भगवान सोचने लगे, अरे अभी इसने, इसके सामने मैं ये पांव खोलूंगा तो वो पूछेगी क्या है, ये है वो है, किटकिट किटकिट करेगी, उसे भगाना चाहिए अंदर करके। बोलता है, लक्ष्मी मुझे बहुत प्यास लगी है रे, मेरे लिए कुछ शीत पेय लेके आना। हाँ स्वामी, मैं लाती हूँ, आम्र रस लाऊं या अमृत चलेगा या क्या, कुछ भी लाऊंगी मैं खुद बना के लाऊंगी, पर पहले आप अपना पैर हटाइए, चरण हटाइए, और नीचे जो गिरा है वो मुझे देखने दीजिए। आई वॉन्ट टू सी वॉट इज देयर डैट यू आर हाइडिंग। अरे बाप रे, अभी क्या करें, क्या कर सकता है भला, हाँ भगवान हो या मनुष्य, बीबी के सामने उसकी एक नहीं चलती। उसने पांव बाजू किया, चलो तू ही देख ले। तो लक्ष्मी ने झट से उछले उसे लिया, जल्दी जल्दी खोला, क्या है ये नाथ, आपको भी कभी समझ आएगी क्या क्या हुआ। अरे अजी आप भी ऐसे हो ना,
इतने लोग आए, इतने आपने गिफ्ट्स दिए, सब गिफ्ट्स दिए, लेकिन इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट था और वो ही आपने नहीं दिया। और ऐसा निकाला, तीन वस्तु थी उसमें, एक शरणागति, सबसे अहम थी शरणागति की भक्ति थी। तो भगवान बोले, लक्ष्मी ये इतना इजी नहीं है रे, इतना इजी नहीं है, ये प्रेजेंट किसको मिलेगा, जो मेरे पांव की सेवा, मेरे शरण में आएगा, मेरे शरण में उसका अभिमान सब गल जाना चाहिए, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं रहना चाहिए, पूर्ण शरणागति, टोटल शरणागति, टोटल सरेंडर। द वन हु गेट्स गिव्स मी टोटल सरेंडर, दैट पर्सन विल गेट दिस। एंड आई हैव येट टू कम अक्रॉस इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, आई डिडंट सी एनीबडी। तो ये मैं स्टोरी क्यों बोल रही हूँ, भगवान को क्या पसंद है, टोटल शरणागति। और टोटल शरणागति के लिए ही उसने ये मार्ग बनाए हैं, राजगुह्य और राजविद्या। हम लोग मुंबई से पुणे जाते हैं कि नहीं, कितने टोल के नाके आते हैं, हर नाके पर टोल भरना पड़ता है ना, वैसे ही भगवान के नाके पर भी, मार्ग पर भी, भगवान को, भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है, राजविद्या राजगुह्य, इट इज अ सुपर एक्सप्रेस हाईवे, उसका उस पर भी टोल जबरदस्त देना पड़ता है। और क्या है वो टोल, भक्ति, प्रेम और शरणागति, टोटल शरणागति। ये तीन चीजों का टोल देंगे तो ही वो परम धाम को अपना, अपनी चरणों की जगह दे सकता है भक्तों को। समझ गए अभी शरणागति का अर्थ। तो शरणागति यानी क्या, सब अर्पण करना। अभी ये लाइन आप अंडरलाइन करो, आप मेंटल माइंड में अंडरलाइन, भगवान को सब अर्पण करना। इसके दो अहम श्लोक है, भगवान कहते हैं भक्त को, मैं बोल के दिखाती हूं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यानी तुम्हारे जीवन में जो जो होता है, यत करोषि जो जो तुम करते हो, यदश्नासि जो जो तुम खाते हो, यज्जुहोषि जो जो तुम पूजा अर्चा करते हो, यत् ददासि जो तुम दान कर्म करते हो, यत् तपस्यसि जो तुम तपस्या करते हो, कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, मुझे अर्पण कर दो। यानी टोटल शरणागति हुई है ना। आप कहेंगे ये कैसा मुमकिन है, सब भगवान को देना है, तो हर वक्त हम क्या, हम दिन भर में हम कितना काम करते हैं, क्या 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 करते, जग भर में हम घूमते रहते हैं, और हर वक्त वो लेके हमारे घर के मंदिर में आके अर्पण करना, ये लाया अर्पण किया, वो लाया, काम जो कर्म करते हैं वो कर्म, आज मैंने ये किया, इतने लोगों को मैंने टिकट दी, आज मैंने ये किया, सब अर्पण करना भगवान को। इज इट पॉसिबल, मुमकिन है? लंदन टूर पर गया है, किसी ऑफिस टूर पर, वहां से वो जाके उसके घर के मंदिर में आके देगा, दे सकता है भला? नहीं। बट माय डियर, अगर मोहम्मद डजंट, वो कहावती है ना, इफ मोहम्मद डजंट कम टू द माउंटेन, द माउंटेन विल कम टू मोहम्मद, ऐसा बोलते हैं ना।
तुमको भगवान के मंदिर के पास, तुम्हारे घर के मंदिर में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। भगवान को ही लाओ और तुम्हारे मंदिर में रखो। कहाँ है तुम्हारा मंदिर? तुम्हारे हृदय में है, इतना क्लोज है। हाँ, तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारा ये हो जाएगा ना, जान हृदय जाएगा, हाँ मन जाएगा, उधर बिठाओ ना उसको। और उसके साथ युज सायुज जुड़े रहो, फेविकॉल के जोड़ के तरह जुड़े रहो, उससे बातचीत करो, उसको उसका गुस्सा ले लो, उसको जोक्स में करो, जो भी। जैसे रास्ते पर मोबाइल लेके घूमते हैं ना लोग, जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। हाँ, ये तो जोर जोर से बोलना नहीं, ये है अति गुह्य है ना, अंदर ही अंदर मन ही मन बोलना है भगवान को। कैसे मैं बताती हूँ, आप सुबह में तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, शर्ट डाला, पैंट डाला, वॉलेट डाला, पास है कि नहीं देखा, और कार का चाबी है कि नहीं देखा, ये देखा, गाड़ी में जाने वाले पास लेके जाएंगे, कार में जाने वाले कार की लेके जाएंगे, सब लिया। और फिर भगवान को अंदर बिठाया है, पहले से ही बिठाने का है उसको, और बोलने का है चलो हम अब चलते हैं। और भगवान के पास बोलते बोलते रे, अभी भगवान भगवान करके बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन ही भगवान है, मन ही मन में बोलते रहना है। अरे हम बोलते ही है ना रोज, तो हम मन में ही बोलते हैं, वो किसके साथ बोलते हैं? हम भगवान के साथ ही बोलते हैं ना। अरे देवा, 9 o'clock ऑलरेडी, आई विल मिस माई ट्रेन नाउ, आई होप आई डोंट मिस माई ट्रेन। ऐसे कहते मैं जाऊंगी, स्टेशन जाऊंगी, देखा तो क्या 9:05 हुए फिर भी मेरी ट्रेन नहीं आई, मैं जाके यहाँ खड़ी हुई, बाद में ट्रेन आई, हुआ कि नहीं अर्पण? भगवान ने देखा ना, भगवान काम करता है हमारा, लेकिन ट्रीट हिम एज अ फ्रेंड, नॉट एज योर सर्वेंट, यू आर हिज सर्वेंट बट ही इज योर जानी दोस्त। फिर बोलेंगे अरे इतनी देर से ट्रेन आई है, न जाने अंदर जहाँ घुसने को मिलेगा कि नहीं, सीट तो छोड़ दो, सीट की बात तो अलग। तो देखेंगे आप आराम से अंदर जाएंगे और आगे सामने ही सीट होगी आपके लिए, बैठेंगे और आराम से जाएंगे। अरे ऑफिस में लेट पहुँच रहे, कहीं हमें लेट मार्क ना मिले। तो पंचिंग मशीन होता है ना, वो पंचिंग कार्ड डालने का, वो मशीन ही टूट जाता है उससे, ऐसे सब होता है। अरे मेमो तो नहीं मिलेगा ना आज ऑफिस में, तो इंक्रीमेंट लेटर मिलता है। ऐसा सब मजा करता है भगवान। हाँ, सिर्फ उसको तुम्हारा दोस्त बनाओ और मन ही मन उसको सब अर्पण करो, जो लेट हुआ वो वरी है वो उसको अर्पण करो। फिर खुशी होने के बाद उसको थैंक्स बोलने को नहीं भूलने का, अरे थैंक गॉड, ऐसा बोलना ही चाहिए। हाँ, तो हाँ किसी को हम थैंक यू बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है ना, हम सिर्फ काम करवाते हैं और कुछ नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो अपना दोस्त है, उसको बोलना चाहिए थैंक गॉड आज तू था इसलिए सब हो गया रे, ऐसा बोलो ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा है, कितना इजी है ना भगवान को अर्पण करना, इजी है कि नहीं? तुम सब करते हो, रोज का रोज व्यवहार सब करते हो, सिर्फ भगवान को उद्देश्य करके बोलो, भगवान के साथ तुम्हारा कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, भूल कर भी उसे नहीं भूलना चाहिए। दैट इज द अंडरलाइंड रूल ऑफ दिस अध्याय। फिर भगवान बोलते हैं जो जो करना है, जो जो खाते हैं, ये है वो है, सब मुझे देना बोलता है। उसके भी आगे जाके वो कहता है क्या देगा तू? हाँ, मैं मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू कुछ भी देगा तो भी चलेगा। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलंतोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यपुरतम भक्त्युपरतम अश्नामी प्रेतात्मनः। तू मुझे फूल दे, पत्ता दे, पानी दे, जल दे,
कुछ भी देना, जो भी देता है, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से देगा, तदहम भक्त्युपरुतम अश्नामि प्रेतात्मना, वो मैं बड़े प्रेम से लूँगा। तो जो भी प्रेम से देगा मैं प्रेम से लूँगा, मुझे बड़े बड़े कुछ गाड़ी बंगला गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्रेम बस। अब अर्जुन और एक प्रश्न पूछता है भगवान को, भगवान को बोलता है, भगवान आप बोल रहे हैं आप ये करो वो करो सब बोलते हैं आप साधना करने के बारे में, पर समझो एक आदमी कितने साल वो साधना करता है करता है करता है करता है और एक दिन मर जाता है, तो मर जाने के बाद उसकी साधना का क्या होता है? उसका पैसा अड़का ये सब इधर ही रह जाता है, और साधना का क्या होता है? वेस्ट होता है ना वो, अगले जन्म में उसको वापस न्यू शुरू करना पड़ेगा, ए बी सी डी से शुरू करना पड़ेगा। नहीं बोलता है भगवान, बोलता है अरे बाकी सब यहीं छूट जाता है, जो अनित्य है वो सब छूट जाता है, और वो उसका कर्म फल है ना, कर्म है ना, पुण्य कर्म, वो उसके साथ जाता है। कैसे जाएगा इसके साथ, कैसे जाएगा उसके साथ? समझो वो भगवान का बहुत कुछ करने वाला है, पढ़ने वाला है, प्रवचन वगैरह सुनने वाला है, ऐसा है समझो, तो उसको ऐसे ही घर में जन्म मिलेगा जहाँ के माँ बाप ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो बच्चे को लेके तो जाएंगे ना, घर में सत्संग रखेंगे ना, तो उसे अपने आप उसकी साधना वहाँ से कंटिन्यू होती है, जहाँ वहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू होती है। समझ गए ना आप? कुछ भी वेस्ट नहीं होता है भगवान के दरबार में, कुछ वेस्ट नहीं होता है, सब चक्रवाड़ व्याज से मिलता है, विद डबल, मुझे उसका अंग्रेजी ये नहीं मालूम है, डबल व्याज से मिलता है। अभी कितने भी बच्चे मिलते हैं दो दो तीन तीन साल के, क्या क्या करते हैं, अरे एक 9 साल का बच्चा तो प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, 9 साल का बच्चा कहाँ से आया? वो पिछले जन्म का उसका कर्म आगे लेके जाता है उसको, इसके आगे लेके जाएगा वो उसको। समझ गए ना आप? अपनी साधना कभी वेस्ट नहीं होती, कभी भी वेस्ट नहीं होती है। मैं फुटपर्थी में जाती हूँ तभी देखती हूँ, एक बार हमारा वेदा का बड़ा सेशन था, ग्लोबल सेशन, और हम वहाँ गए, हमारा भी मुंबई से हम गए, तो देखा इतने फॉरेनर्स वहाँ, हाँ साड़ी पहनते हैं, फूल ये करते हैं, और वो तो छोड़ो, वो देखने वाली बात है, वेदा हम लोग तो बुक लेके पढ़ते हैं वो पाठ बाय हार्ट कैसे और क्यों? पिछले जन्म का, और उनका और बाबा का रिश्ता क्या है? वो तो फॉरेनर है, उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा उनका नाम, बाबा तो इंडियन है बाबा, फिर कैसे उनका मिलाप हुआ? उनका तो यीशु ख्रिस्त है ना। तो ये गुरु लोग होते हैं ना, ये सब शक्ति होती है, गुरु शक्ति होती है, उनमें जीसस क्राइस्ट होता है, उनमें मोहम्मद होता है, सब की शक्ति उनमें होती है, और वो उनको अट्रैक्ट करके लेके आती है, और उनकी साधना जो पिछले जन्म में छूटी थी, या समझो कुछ साधना ही नहीं हुई, उसको ऐसा पड़ेगा मालूम, ऐसा लगेगा कि मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, पिछले जन्म में क्या किया है मालूम है क्या? ये पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड तुमको लेके जा रहा है पुटपत्ती, पिछले जन्म में भी तू थी उधर, अभी भी है, अगले जन्म में भी होगी उधर। समझ में आ रही है ना बात, कि इज इट डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट, सिंपल है, हम जो करते हैं उसका
बैंक बैलेंस, जेवर, कपड़े लत्ते सब इधर ही छोड़ जाते हैं, पर हमारा, हमारी साधना, हमारे पुण्य, हमारे पाप हमारे साथ जाते हैं। और हमारे पुण्य के हिसाब से हमारा पिछले जन्म में क्या था वही हम अगले जन्म में कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए साधना नेवर गेट्स वेस्टेड, यू बेयर इन माइंड एंड जितनी हो सके साधना करो। ये जन्म दुर्लभ है, नर जन्म वेरी दुर्लभ है, वो सब सिर्फ साधना करने के लिए दिया है नर जन्म। मैक्सिमम साधना करो तो अगले जन्म में और भी रिच हो जाओगे आप, इतना रिच हो जाओगे साधना में कि कुछ बोलने की बात नहीं, फिर तो भगवान के चरण में जगह मिल सकती है। यही कहकर, पर एक बात याद में रखना है, ये सब करते समय घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। घूंघट का पट यानी ये माया का पट है ना, प्रपंच का, वो खोल देना, छोड़ देना तो ही पिया मिलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।